हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जया। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद जया। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज हम बनाएंगे नाश्ते के लिए होटल स्टाइल चटनी। इडली, उपमा, डोसा, वड़ा के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी ये चटनी है। इस तरह से आप बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। चलो बनाते हैं। होटल स्टाइल चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंगफली चाहिए। देखिए, मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से बता रही हूँ। मैं एक छोटी कटोरी मैंने मूंगफली लिया है और उसका डबल मैंने दालिया लिया है। दालिया मतलब जो फुटाने का दाल होता है ना, वो दालिया। और 8 से 10 हरी मिर्च आप थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक छोटी कटोरी मैंने गीला नारियल लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और एक पैन रख देंगे। जब वो हल्का गर्म हो जाए, फ्लेम को एकदम धीमी पे रख दीजिए और सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेंगे। मूंगफली एकदम धीमी आंच पर ही भूनिए, क्योंकि अगर आप फ्लेम ज़्यादा रख दोगे तो ऊपर से पूरा जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। देखिए, मूंगफली अच्छे से भुन गए हैं। मुझे करेक्ट 5 से 6 मिनट एकदम धीमी आंच पे मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें दालिया डाल देंगे। दालिया को हमें भूनना नहीं है, बस हल्का गर्म हो जाए, मतलब बस आधे मिनट के लिए हम इसे गर्म कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, नारियल को भी हमें नहीं भूनना है। अब हम उसी पैन में बस एक आधा चम्मच तेल डाल देंगे। जब वो हल्का गर्म हो जाए, फ्लेम को एकदम धीमी पे रखिए और उसमें बस एक छोटी चम्मच से जीरा डाल दीजिए। जब वो चटकने लग जाए, उसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। देखिए, इस तरह से मैंने 8 से 10 हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है। आप थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल दीजिए। लहसुन एकदम ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा इस तरह से कम डालिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे 1-2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें हरी मिर्च और लहसुन को एकदम लाइट फ्राई करना है। बहुत फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का फ्राई हो जाए इतना काफ़ी है। कभी भी चटनी बनाते समय एकदम धीमी आंच पर आप चटनी बनाइए, बहुत टेस्टी आपकी चटनी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा इमली डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा इमली पानी में भिगोकर डाला है। अब हम इसमें कच्चा नारियल डाल देंगे। नारियल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। उससे भी बहुत बढ़िया चटनी बनेगा। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा हल्का गर्म हो जाए, बस एक आधे से एक मिनट तक आप थोड़ा गर्म कर लीजिए, इतना काफ़ी है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, मेरे पास उपलब्ध नहीं है इसलिए मैंने आज नहीं डाला है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मूंगफली, दालिया और ये हरी मिर्च डालकर एकदम महीन पीस लेंगे। देखिए, मैंने चटनी को बहुत ही महीन पीस कर ले लिया है। मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक और पानी डालकर एकदम महीन पीस कर ले लिया है। दरदर आप बिल्कुल ना पीसिए, इस तरह से आप महीन पीसिए, चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम चटनी के लिए तड़का लगाएंगे। उसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाला है। जब वो हल्का गर्म हो जाए, फ्लेम को एकदम धीमी पर रख दीजिए। उसमें 1 छोटी चम्मच से राई डाल दीजिए और राई जब चटकने लग जाए, उसमें 1 चम्मच हम उड़द और चने की दाल डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच से हम जीरा डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम एकदम हल्का ब्राउन हुए तक फ्राई करेंगे। वो दालों में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगा। अच्छे से ब्राउन हुए तक फ्राई कर लीजिए। आप चाहे तो दालों को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया खुशबू उसमें से आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे और 2 से 3 मैंने सूखी मिर्च को इस तरह से काट कर डाल दिया है। तड़का इस तरह से बहुत बढ़िया लगाइए, चटनी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये गरम गरम तड़का हम चटनी में डाल देंगे। मैं आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से बता रही हूँ, इस तरह से आप बनाइए, बिल्कुल होटल में खाया जैसा आपको फील आएगा। देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारी चटनी बनकर तैयार है। ये परफेक्ट होटल स्टाइल साउथ इंडियन चटनी रेसिपी है। इस तरह से आप बनाओगे, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको डोसा के साथ सर्व कर बताऊंगी। इस तरह से आप बनाइए, आपको कोई भी होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप घर पर ही बहुत ही टेस्टी चटनी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से आप बनाइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, आपको सब नोटिफिकेशंस अपडेट्स होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।